भाई आप ये देख सकते हैं सारंगखेड़ा मेले में घोड़ों के जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई महाराष्ट्र के अंदर एक मेला लगता है सारंगखेड़ा, जिसका नाम है भाई, जिसको लोग सारंगखेड़ा मेले के नाम से जानते हैं, बहुत प्रचलित और कई सालों से लगता हुआ आ रहा है भाई ये मेला। और ये मेला 21 तारीख से लेकर 7 जनवरी तक चलेगा। 23, 24, 25, 26, 27 तारीख में यहाँ पर शो और रेस होने वाली है। और आप ये देख सकते हैं कि भाई ट्रकों के आने का सिलसिला जारी है और अब की बार घोड़े घोड़ी तादाद से ज़्यादा इस मेले के अंदर भाई पहुँचे हैं। भाई ये देख सकते हो आप, ट्रक भर भर के घोड़ा घोड़ी आ रहे हैं और ये सब घोड़ा घोड़ी आए हैं भाई बिहार से। ये घोड़ा घोड़ी बिहार से यहाँ पर पहुँचे हैं भाई। अब की बार भाई साहब कितने घोड़ा घोड़ी बेच दिए थे? 156 था सोनपुर में। सोनपुर में 156? 60 सोरो में था। 60 सोरो में यहाँ 30 लेके आए हैं। 30 लेके आए हो तो यहाँ कम लेके आए, क्या बात है। दो गाड़ी लेके आए, भाड़ा बहुत लगता है ना। तो मेरे लगता है 156 यानी कि बिहार में ट्रैक रिकॉर्ड बना दिया पहले से ज्यादा। पहले कितने बेचे थे? शायद 108। 105। तो इस बार यानी कि सोनपुर का मेला बहुत भारी रहा, यानी कि चलो पूरे बेच दिए हैं। तो नुकरे और मारवाड़ी दोनों माल बेचे? उधर दोनों माल बेचे, दोनों है। इसमें दोनों लेके आए, इसमें दोनों लेके आए। एक ट्रक में आगे के पूरे के दो नहीं, ट्रक 15 आया है, 15 भिन ब्याबरा में खड़ा है। अच्छा, वो आएगा ट्रक शाम को, सुबह में आएगा। चलो, भरने में भी मेरा लगता है गाड़ी लोड करके भर के लाने में भी बहुत टाइम लग जाता होगा, उतरने की बहुत जल्दी कर रहा है। बहुत समय हो गया, 5 बजे से। कितने दिन हो गए इनको ट्रक में ऐसे ही? 2 दिन। 2 दिन तब तो करेगा थोड़ा सा जल्दी। तो भाई देख सकते हो आप, जो भी भाई लोग मेले में बच्चे वगैरह घोड़ा घोड़ी लेने के लिए आना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता रहता है कि भाई घोड़ा घोड़ी कहाँ से लें सस्ते, तो भाई मेले में से आप थोड़े से सस्ते घोड़ा घोड़ी खरीद सकते हैं। बच्चे चढ़ने में भी बहुत नाटक करते होंगे यार, है? कितने भाई टोटल पूरे? 15? क्या होता है, तुम्हारा बैक गियर लगा दिया? तो भाई जो भी लोग घर मेले के लिए घोड़ा घोड़ी लेके आना चाहते हैं तो भाई सावधानी से यहाँ पर भाई उतारें, क्योंकि कभी कभार भाई घोड़ा घोड़ी डर भी जाते हैं। और अधिकतर आपने देखा होगा भाई कि उतारने और चढ़ाने में ही भाई घोड़ा घोड़ियों के सबसे ज़्यादा लगती है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। या फिर मेले से जो भी लोग घोड़ा घोड़ी खरीद के भी ले जाना चाह रहे हैं वो भी लोग थोड़ा सा ध्यान रखें भाई। भाई ये बिहार के वो व्यापारी हैं जो सोनपुर मेले में सबसे ज़्यादा घोड़ा घोड़ी लेकर के जाते हैं भाई, और इस बार इन्होंने 156 घोड़ा घोड़ी भाई सोनपुर मेले के अंदर बेचे हैं। और जिस साल मैंने शुरुआत करी थी भाई उस साल ये 105 घोड़ा घोड़ी उस मेले में इन्होंने बेचे थे भाई। कितने आदमी आए 30 घोड़ा घोड़ियों पे? 8? अरे आजा, मैं खा ली हूँ। एक पीछे से और लगे आदमी इसके लिए है।
अरे उतर यार। भाई साहब दुखे हो रहे हैं। इतनी लुगाई की करेंगे तो वो तो मान जाएगी। आजा। इतने में लुगाई मान जावे, घुड़ा घुड़ी नहीं माने हैं। तुम्हारी पुच्छी लेके ही मानेगी है। आ तो जा पुच्छी ले ले। पहले दो जमी तो आएगी बद्दे, आने के बाद तुम्हें उतारने के बाद दी नहीं दी तुम्हारा क्या भरोसा। तो भाई जो भी लोग घोड़ा घोड़ी खरीदने के हिसाब से आना चाहते हैं तो आप भाई सारंगखेड़ा मेले में आ सकते हैं भाई। ए आ भोकड़ी का नहीं फिर मार पड़े तो फिर। सब पकड़ ले हो तुम ना, ऊपर ना आओ साथ में। तो भाई इस तरीके से भी आपको और भी वीडियो भाई देखने के लिए मिलते रहेंगे।